नमस्ते बच्चों, आज हम लोग संस्कृत से जिस पाठ का हम लोग पाठन करेंगे उसका शीर्षक है काव्यस्य उपाय, द क्रॉस प्लान, अर्थात कौवे का उपाय। आइए इस पाठ का हम लोग वाचन करते हुए इस कहानी को समझते हैं। यह बहुत ही रोचक कहानी है, तो आइए हम लोग इसका हिंदी भावार्थ है जानते हैं। कश्चित महावृक्ष आसीत, कोई महावृक्ष था, तत्र एक काका पत्निया सह वसति अस्पा, वहां कोवा पति पत्नी रहते थे। तस्य एव वृक्षस्य कूटरे एकः कृष्ण सर्पः अपि वसति स्म। उस वृक्ष के कूटर में एक काला सांप भी रहता था। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्ण सर्पः तस्य शावकान् खादति स्म। यदा काकी प्रसूता भवती, जब कौवे की पत्नी प्रसूता अवस्था को हुई, उस समय वह काला सांप उसके छोटे छोटे बच्चों को खा गया। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म, जिससे कौवा और कौवी को बहुत दुख का अनुभव हुआ। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य श्रृंगालस्य समीपं गत्वा उक्तवान्। अतः एकदा एक बार काकः कौवा स्वमित्रस्य अपने मित्र के पास श्रृंगालस्य, उसका मित्र कौन था? गिदड़। अर्थात एक बार वह अपने मित्र के पास, जो उसका मित्र था श्रृंगाल, उसके समीपम गत्वा पास गया और उक्तवान बोला, भो मित्र, रे मित्र, तम कृष्ण सर्पम किंचित मारणीयम उपायम सूचयतु। रे मित्र, उसे काले सांप को मारने का कुछ उपाय सोचो। श्रृंगाल एकम उपायम सूचितवान, श्रृंगाल एक उपाय सोचा। तत्श्रुत्वा काकः बहु संतुष्ट और उस उपाय को सुन करके कौवा बहुत ही संतुष्ट हुआ। उसे उस उपाय से बहुत शांति मिले कि चलो, जो हमेशा मुझे कष्ट देता है वह काला नाग, उससे अब मुझे मुक्ति मिलने वाली है। अतः तदंतरम काकः उड्डयन कुर्वन् नगरम आगतवान। उसके बाद वह कौवा उड़ते हुए नगर में आया। तत्र महाराज्ञः प्रसादस्य सरोवरे, वहां महाराज के घर के अंदर जो सरोवर था, प्रसाद, प्रसाद मीन्स भवन, घर के अंदर जो जलाशय था उसमें अंतःपुर स्त्रियः जल क्रीड़ायां मग्न आसन। महाराज के घर के अंदर जो जलाशय अर्थात तालाब था, उसमें स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थी। तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन। तासां उन सारी औरतों के वस्त्र और आभूषण उस तालाब के सोपान, सोपान मीन्स सीढ़ियां, सोपान पर अवस्थित थे। अर्थात कहने का मतलब है कि स्त्रियां उस जलाशय में जल क्रीड़ा कर रही थी और अपने वस्त्र और गहनों को सीढ़ियों पर रख दी थी। काकः
काकः तत्र गतवान्, कौवा वहां गया, एकः सुवर्णहारं स्वीकृत्य अरणाभिमुखं प्रस्थितवान्। वहां से एक सोने का हार लेकर के और फिर वन की ओर चलने लगा, अर्थात वन की ओर उड़ चला। तत् दृष्ट्वा राजभटा काकम् अनुष्टितवन्तः। उसे देख करके राजभटा अर्थात राजा के सैनिक जिधर जिधर कौवा जैसे जैसे उड़ते जा रहा था, वैसे वैसे राजा के सैनिक उधर ही जाने लगे। काकः अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तम हारम् पतितवान्। काकः उस जंगल में आया जिस पेड़ पर वह रहता था, उसी पेड़ पर वह काला नाग भी रहता था। तो काका उस जंगल में आया, महावृक्ष के उस पेड़ की कूटर में उस हार को गिरा दिया और फिर स्वयं दूरम गतवान च, और वह क्या हुआ, दूर चला गया। राजभटा तत्र आगतवन्तः। तब तक राजभट वहां चले आए, चूंकि उन लोगों के घर की औरतों का जो सोने का हार था वह कौवा लेकर के आया था उससे, और वे लोग देख रहे थे कौवा सोने का हार लेकर के उड़ा जा रहा है, तो राजा के सेना सिपाही उस चीज का अनुसरण करते हुए कौवे की तरफ ही आ रहे थे कि देखते हैं कि यह सोने का हार लेकर कौवा कहाँ जाता है। जैसे जैसे कौवा जा रहा था राजा के सिपाही भी उसी तरफ जा रहे थे, तो वह कौवा जो था उसी जंगल में गया जिस पेड़ पर रहता था, उस पेड़ के पास गया और जिस कोटर में रहता था उस पर उस हार को गिरा दिया। और ये सब चीज राजा के सिपाही देख ही रहे थे क्योंकि उस कौवे का पीछा कर रहे थे। कोटेरे हारम दृष्टवन्तः। जैसे ही हार वह कौवा रखा, राजा के सिपाही देख रहे थे उस हार को उसी कोटर के पास देखे। तदा तत्र स्थित कृष्ण सर्प कोपेन वही आगतवान। तब क्या हुआ कि वहां जो उस कोटर में जो काला नाग रहता था, काला सांप रहता था, वह अपने कोटर से अंदर से बाहर कोपीन बही आगतमान बाहर निकल गया। राजभटा दंड प्रहारेणा तम मारितवंता। जैसे ही वह काला सांप बाहर निकला अपने कोटर से, राजा के सिपाही दंड प्रहारेणा लाठी से मार मार करके उसको मृतवत कर दिए, उसको मार डाले। हारम च नीतवंत। और वे लोग हार ले लिए, क्योंकि अगर वे लोग उस काले नाग को नहीं मारते तो हार फिर कैसे लेते, तो उस काले नाग को मार करके ही वे लोग हार ले सकते थे। उन्होंने ऐसा ही किया। तदंतरम काकः स्वपत्न्या सह सुखेन जीतवान। और उसके बाद से क्या हुआ, वह कौवा अपनी पत्नी के साथ बहुत ही सुखपूर्वक वहां रहने लगा। तो इस तरह यह कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन यह कहानी हमें आप लोगों को कुछ न कुछ संदेश देगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर बुद्धि का उपयोग किया जाए, चतुराई का उपयोग किया जाए, तो बड़े से बड़े संकट को आसानी से दूर किया जा सकता है। बड़े से बड़े संकट को हम अपनी चतुराई के बल पर उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस कहानी को आप भली भाली भांति आप लोग समझ गए होंगे। इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, आप लोग उस प्रश्न को अपने नोटबुक में याद करेंगे, लिखेंगे अच्छे ढंग से, इसमें जितने मीनिंग्स वगैरह भी हैं इन सारे
वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में लिखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न आप लोग हल नहीं कर पाएंगे, तो जब विद्यालय खुलेगा उस समय हम लोग जब क्लास में होंगे तो उन प्रश्नों को निश्चित रूप से हम लोग हल कर लेंगे। धन्यवाद।